जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसार। तो ये हमारे कस्टमर का है और इसके ऊपर पूरे ऑयल स्टेन है। ये हो गया ऑयल स्टेन, ये और पूरे टॉप पर ही है ये ऑयल स्टेन। तो इसको क्लीन करते हैं, हम इमल्सीफायर यूज़ करेंगे इसके ऊपर, जिसकी ऑनलाइन बाय लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट बहुत ज़्यादा ऑयल स्टेन है और यहाँ पे इन्होंने पाउडर वगैरह ऐसा कुछ तो भी लगाया है, बट मुझे नहीं लगता इसका कोई इफेक्ट होगा। और ये अचार का स्टेन है शायद, तो चलो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। तो ये रहा टॉप, और इसके ऊपर है पूरे ऑयल स्टेन है, ऊपर नहीं है बट नीचे है और काफी सारे है। आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत सारे स्टेन है, मतलब गिनना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके लिए मैं यूज करूंगा इमल्सीफायर। इस तरह के कई सारे स्टेन इस केमिकल ने निकाले हैं, तो आज भी इसको यूज करते हैं हम। एक इस तरह से भी यूज होता है, अगर चाहो तो बेटा इसमें और कई सारे स्टेन हैं जो छूट सकते हैं मुझसे, बट जितने मेरे विजिबल हैं उतने को मैं ये केमिकल लगा दूंगा। और इसके मैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये जो कस्टमर है ना बहुत पुराने कस्टमर है हमारे। तो इनको इसी तरह से थोड़ी देर रहने देते हैं, केमिकल रिएक्शन होने देते हैं। 5 मिनट के लिए मैं इसे इसी टाइप में छोड़ने वाला हूं। बस मुझे तो लगता है कि मैंने सारे स्टेन कवर कर लिए हैं। और ये अचार के स्टेन है, पांच मिनट के लिए छोड़ते हैं इनको, देन हम इसे वॉश करेंगे। 5 मिनट इनको मैंने अच्छे से रहने दिया एज इट इज। तो मैं अभी ना थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, और पानी से फिर इसको थोड़ा सा स्क्रब करता हूं और मशीन में वॉश कर लेता हूं इनको। मुझे तो लग रहा है 100% स्टेन निकल जाएंगे, बट वॉश करने के बाद में, ड्राई होने के बाद में ही समझ में आता है कि स्टेन गए हैं या नहीं, क्योंकि ये ऑयल स्टेन जो है ना वो गीले होने पर दिखते नहीं है या नहीं। ड्राई होगा ना कपड़ा तभी समझ में आएगा कि स्टेन गए हैं या नहीं। और हमने इमल्सीफायर यूज किया है जो कलर कपड़ों के लिए ही है और ऑयल स्टेन क्लीन करने के लिए है। और मशीन में मैंने लिक्विड डिटर्जेंट, लिक्विड अमोनिया, सोडा ऐश, ये सारा केमिकल बनाया है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें ये टॉप में वॉश करने वाला हूं। और ये हमारा केमिकल बना होता है मशीन में, आप देख सकते हो आप पूरा मशीन भरा हुआ है। और इसमें मैं वॉश करूंगा 4 मिनट के लिए, बाकी तो ड्राई होने के बाद में ही समझ में आएगा
स्टेन 100% क्लीन हुआ है। तो बस मैं इसको वॉश करूंगा, खंगाल करूंगा, स्पिन करूंगा हाइड्रो में, और सुखाने के बाद में ही आपको दिखाऊंगा कि स्टेन कितने गए हैं कितने नहीं। बाकी ये वॉशिंग है, इसके बाद में दो बार साफ पानी से खंगाल करूंगा और उसको सुखाने डाल दूंगा। तो बस बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। 100% स्टेन क्लीन हो गए है, पूरा ड्रेस देख लीजिए एकदम बढ़िया से। और ये फ्रंट साइड में थे स्टेन, इसके ऊपर अचार के स्टेन थे पूरे, बहुत ज़्यादा ऑयली थे। तो 100% पीछे तो बिल्कुल भी स्टेन नहीं थे, बट फ्रंट साइड में बहुत ज़्यादा स्टेन थे और अचार के स्टेन थे। प्योर कॉटन का कपड़ा है, कलरफुल कपड़ा है और डैमेज फ्री ये हो गया। इमल्सीफायर हमने इसे यूज़ किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके ऑनलाइन बाय लिंक है और यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्योंकि कपड़े में खाने के करी के दाग, ऑयल के दाग लगते ही रहते हैं, तो ये केमिकल आपके पास चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।